हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अपने इस वीडियो में कि आप घर पर ही कैसे इल्यूमिनेटिंग प्राइमर या फिर इल्यूमिनेटिंग बेस बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए वेसोकेयर। ये विंटर्स में हमारी स्किन को स्मूथ रखेगा, इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी वैसलीन, नॉर्मल वैसलीन भी ले सकते हैं या नॉर्मल मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ लगभग 2 स्पून एलोवेरा जेल एंड उसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 स्पून ग्लिसरीन। ये जो ग्लिसरीन है, एलोवेरा जेल है, ये हमारी स्किन में एज अ प्राइमर भी वर्क करते हैं, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स, क्योंकि ये बहुत स्टिकी होता है, तो ये हमारे जो फेस है, हमारा जो फेस है उसमें बहुत अच्छी लेयर बनाएगा। इसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ वाइट टोन क्रीम 1 टीस्पून, इस स्पून की हेल्प से। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारा प्राइमर बने या फिर आप कह लें कि जो बेस बने हमारा, वो पिगमेंटेड बने, हम टिंटेड सा लुक दे, क्योंकि वेडिंग सीज़न और फंक्शंस अटेंड करना बहुत सारे, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप का जो बेस है वो बहुत फ्लॉलेस टाइप का दिखे। एंड अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक में फाउंडेशन भी ऐड कर दे रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इस बेस को अपने फाउंडेशन के नीचे अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे, तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से कवरेज बहुत अच्छे से देगा। इसके बाद मैं ये पीची पिंकिश कलर ले रही हूँ अपने शिमरी आई शेडो पैलेट से और इसे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। शिमर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको डे टाइम में यूज़ करना है ये प्राइमर तो आप पूरी तरह से स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन ऐड किया है, तो ऑब्वियसली आप डे में भी यूज़ करते हैं, कर सकते हैं, तो शिमर्स डे में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं फेस में, ये सिर्फ रात की जो लाइटिंग वगैरह होती है ना, उसमें ही हमारे फेस को बहुत अच्छा लुक देते हैं। और मैंने आई शेडो पैलेट में से ले लिया है। अब मैं ये ADS के आई शेडो शिमर डस्ट जो आता था पहले, अभी भी आता है, तो इसमें से भी मैं पिंकिश और गोल्डन कलर लूँगी। तो मैंने ये इस तरह से सेलो टेप लगा दिया है ताकि बाकी के जो प्रोडक्ट है वो ना आए, तो मैंने ये पिंक कलर लिया है एंड इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए आप कितना प्यारा, कितना मार्केट में भी आई थिंक जो मिलता है वो भी इसी तरह का दिखता है, बस वो थोड़े से और ज़्यादा शिमरी नज़र आते होंगे। तो मैंने आपसे कहा कि आप अपने हिसाब से शिमर्स ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा। ये देखिए आप कितना प्यारा, मेरे हाथ में बहुत ही शाइनी सा लुक दे रहा था। मैं आपको फेस में अप्लाई करके दिखाती हूँ, तो ये देखें कितना ग्लोई लुक दे रहा है। अब विंटर्स में अगर आप इसे अपने बेस के नीचे लगाएंगे, इसे एज अ बेस लगाएंगे अपने फाउंडेशन के नीचे, तो लोग आपको पलट पलट के देखेंगे कि भाई ये विंटर में कैसे इतने चमक रही है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, इसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत पसंद आया। होपफुली आपको भी पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।